नमस्कार। पश्चिम बंगाल में अपनी भविष्यवाणी सच साबित करने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने बतौर रणनीतिकार अपने काम को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि पीके किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। कहा जा रहा था कि पीके अपनी नई पारी की शुरुआत का ऐलान भी जल्द ही कर सकते हैं। अब खबरें मिल रही हैं कि प्रशांत किशोर भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक गलियारों से इन खबरों का शोर आना तब शुरू हुआ जब पीके ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस सियासी मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस भी प्रशांत किशोर को अपने साथ लाने के लिए बेताब है। इसको लेकर राहुल गांधी ने पार्टी के तमाम आला नेताओं से राय मांगी है। हालांकि ना ही राहुल गांधी की तरफ से, ना ही कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से और ना ही प्रशांत किशोर की तरफ से इस मामले पर कुछ भी ऑफिशियली कहा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हाल ही में हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक में एके एंटनी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ और अंबिका सोनी समेत आधा दर्जन से ज्यादा नेता शामिल थे। अब अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो फिर इस फैसले पर मुहर लग सकती है। एक लीडिंग वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक 15 जुलाई को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए गांधी परिवार के सामने एक खाका पेश किया था। खबरें हैं कि पीके द्वारा पेश किए गए इस खाके को कांग्रेस ने पसंद किया है। आने वाले वक्त में कांग्रेस इस पर अमल भी कर सकती है। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है। वो खुद कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी कोई आपत्ति नहीं है। आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर पीके कांग्रेस में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका फायदा पार्टी को मिल सकता है। आप बताइए कि आपको भी लगता है पीके का कांग्रेस में शामिल होना फायदे का सौदा साबित होगा।